बरोबर है। कल 26 तारीख को चोलापुर थाना क्षेत्र के कपिशा मोड़ पर एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसमें उसका अनावरण कर लिया गया है। इसमें ट्रक ड्राइवर शेवालाल की हत्या हुई थी और ये मालूम चला है कि उसके जो कंडक्टर खलासी था राजकमल, उसी ने उसकी हत्या की थी। वो हत्या करके और उसका 43,200 रुपये लूट करके भाग रहा था। उसको इंस्पेक्टर चोलापुर, एडिशनल एसपी और वहाँ के सीओ, इन लोगों की टीम ने और पूरा प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 43,200 रुपये, हत्या में प्रयुक्त चाकू, पाना और उसकी खून लगी बनियान, ये सारी चीज़ें बरामद कर ली हैं। बहुत अच्छा अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं टीम को पुरस्कृत करूँगा। इसका इन लोगों का आपस में झगड़ा भी हुआ था, दूसरा इसमें लूट का भी मोटिव था, लूट की धारा इसमें बढ़ा दी गई है। इसलिए चूंकि अभियुक्त छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, इसलिए उसके बारे में जानकारी की जाएगी कि क्या कोई पहले से उसका आपराधिक इतिहास है। अभी तक उसका कोई आपराधिक इतिहास मालूम नहीं चला। मैं श्रीकांत उपाध्याय, अल्पायु एक्सप्रेस देखा। कौन सा? अल्पायु एक्सप्रेस। अल्पायु एक्सप्रेस ये डेली है कि वीकली है? प्राइम फ्यूचर। मैं श्रीकांत उपाध्याय, अल्पायु एक्सप्रेस देखा। कौन सा? अल्पायु एक्सप्रेस। अल्पायु एक्सप्रेस ये डेली है कि वीकली है? कल 26 तारीख को चोलापुर थाना क्षेत्र के कपिशा मोड़ पर एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसमें उसका अनावरण कर लिया गया है। इसमें ट्रक ड्राइवर शेवालाल की हत्या हुई थी और ये मालूम चला है कि उसके जो कंडक्टर खलासी था राजकमल, उसी ने उसकी हत्या की थी। वो हत्या करके और उसका 43,200 रुपये लूट करके भाग रहा था। उसको इंस्पेक्टर चोलापुर, एडिशनल एसपी और वहाँ के सीओ, इन लोगों की टीम ने और पूरा प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 43,200 रुपये, हत्या में प्रयुक्त चाकू, पाना और उसकी खून लगी बनियान, ये सारी चीज़ें बरामद कर ली हैं। बहुत अच्छा अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं टीम को पुरस्कृत करूँगा। इसका इन लोगों का आपस में झगड़ा भी हुआ था, दूसरा इसमें लूट का भी मोटिव था, लूट की धारा इसमें बढ़ा दी गई है। इसलिए सर इनके ऊपर पहले भी कभी कुछ था ऐसी? चूंकि अभियुक्त छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, इसलिए उसके बारे में जानकारी की जाएगी कि क्या कोई पहले से उसका आपराधिक इतिहास है। अभी तक उसका कोई आपराधिक इतिहास मालूम नहीं चला। कल 26 तारीख को चोलापुर थाना क्षेत्र के कपिशा मोड़ पर एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसमें उसका अनावरण कर लिया गया है। इसमें ट्रक ड्राइवर शेवालाल की हत्या हुई थी और ये मालूम चला है कि उसके जो कंडक्टर खलासी था राजकमल, उसी ने उसकी हत्या की थी। वो हत्या करके और उसका 43,200 रुपये लूट करके भाग रहा था। उसको इंस्पेक्टर चोलापुर, एडिशनल एसपी और वहाँ के सीओ, इन लोगों की टीम ने और पूरा प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 43,200 रुपये, हत्या में प्रयुक्त चाकू, पाना और उसकी खून लगी बनियान, ये सारी चीज़ें बरामद कर ली हैं। बहुत अच्छा अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं टीम को पुरस्कृत करूँगा। इसका इन लोगों का आपस में झगड़ा भी हुआ था, दूसरा इसमें लूट का भी मोटिव था, लूट की धारा इसमें बढ़ा दी गई है। इसलिए सर इनके ऊपर पहले भी कभी कुछ था ऐसी? चूंकि अभियुक्त छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, इसलिए उसके बारे में जानकारी की जाएगी कि क्या कोई पहले से उसका आपराधिक इतिहास है। अभी तक उसका कोई आपराधिक इतिहास मालूम नहीं चला।
मैं श्रीकांत उपाध्याय अल्पायु एक्सप्रेस देखा कौन सा अल्पायु एक्सप्रेस ये डेली है कि वीकली है।